उसको पेश आए। लोग जो कहते हैं मैं सामना करता हूं, वो सामना नहीं है, वो तो हम पेश आते हैं, चुनौती है तो उसको स्वीकार करके हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका ये सारा मार्गदर्शन प्रधानमंत्री जी से मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी केवल परीक्षा पर नहीं बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी इस बजट को अगर कोई देखे तो ये समझेंगे कि इनकी प्रतिबद्धता, प्रधानमंत्री जी का एक दृष्टि है, विजन है, एक मिशन है। क्योंकि देश अगर संबल करे मिलेगा, देश अगर ताकतवर बनेगा तो वो शस्त्र अस्त्रों से नहीं, वो शिक्षा से ही समृद्ध बनता है, शिक्षा से ही समर्थ बनता है, ये विश्वास है। और इसके लिए अच्छी शिक्षा सबको मिले, ये उसका प्रेरणा है। और इसके लिए इस बार उसका जोर है केवल बिल्डिंग बने, केवल बाकी सारे साधन सामग्री मिले, इसमें नहीं शिक्षा होती। शिक्षा अगर अच्छी मिलनी है तो शिक्षा के लिए आउटकम बेस्ड रिजल्ट आने चाहिए। और इसके लिए हमने लर्निंग आउटकम्स तैयार किए हैं। अभी पहली से आखिरी तक परीक्षा नहीं होती, तो उसके लिए पहली में, दूसरी में, गणित में, विज्ञान में, भाषा में क्या प्राप्ति होनी चाहिए, क्या छात्रों को समझना चाहिए, क्या आना चाहिए, इसको आप लिपिबद्ध किए, टीचर्स का ट्रेनिंग किया है। और ये करके अब ये जो पहले दिखता था कि छठी का छात्र चौथी का गणित नहीं कर सकता, यह अब नहीं दिखेगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आउटकम बेस्ड शिक्षा होगी तो पहले का छात्र पहले का पूरा करेगा, तीसरी का छात्र तीसरी का संभालेगा। ये होना जरूरी था, ये लर्निंग आउटकम्स लाए हैं। 13 लाख शिक्षक अप्रशिक्षित थे, उनको इंटरनेट के माध्यम से और रेडियो के माध्यम से और टीवी के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं। 13 लाख अप्रशिक्षित शिक्षक अपना डिप्लोमा इन एजुकेशन का कोर्स पूरा कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी की एक और नकला है कि जैसे वकील बनना है वो 12वीं के बाद वकील के कोर्स में जाता है 5 साल, इंजीनियर बनना है कोई इंजीनियर के कोर्स में जाता है, डॉक्टर बनना